Hello friends. In this video we will discuss about numericals on entropy related to theoretical portion of entropy we have already discussed. In this video we will discuss some standard problems on entropy. These problems are very helpful for gate and engineering services and very helpful for building the concepts. So we will start our discussion. this is question number one: An ideal gas is heated from temperature T1 to T2 at constant volume. मतलब हमने कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे गैस को हीट किया है फ्रॉम टेम्परेचर टी वन टू टी टू दैन वी हैव एक्सपेंडिड बैक टू इट्स इनिशियल टेम्परेचर उसके बाद हमने एक्सपेंशन करवा के हम सेम इनिशियल टेम्परेचर को ही हमने अचीव कर लिया है अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी पावर एन तो जब हम एक्सपेंड करवा रहे थे गैस को तो वी आर फॉलोइंग द लॉ पी वी रेस्टोपाव एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इफ़ द एंट्रापी चेंज इन द टू प्रोसेसिज आर इक्वल जो दोनों प्रोसेसिज हैं उनमें एंट्रापी चेंज इक्वल है दैन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एडियाबाइटिक इंडेक्स पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बेसिकली यहाँ पे एन होता है एडियाबैटिक इंडेक्स बेसिकली कामा होता है ओके okay? सो so, यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स और एडियाबाटिक इंडेक्स में हमें रिलेशन बताना है सो so, देखिए जब सबसे पहले हमने गैस को कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट कर रहे हैं वी आर सप्लाइंग हीट टू द आइडियल गैस तो हम एंट्रॉपी चेंज निकाल सकते हैं बेसिकली तो एंट्रॉपी चेंज निकालने के लिए देखिए ये हमारा फ्रॉम वन टू टू जब हम एंट्रॉपी चेंज निकालेंगे तो यहाँ पे हमें एंट्रॉपी चेंज का फॉर्मूला आपको पता है दैट द डिफरेंस बिटवीन द एंट्रॉपी दैट इज सी वी डी टी बाई टी प्लस दिस इज बेसिकली टी टी एस ठीक है डी यू प्लस पी टी वी जब मैं इसको कम्प्लीट लिखता हूँ तो ये आपके पास ऐसा आता है डी एस टी डी एस इक्वेशन है बेसिकली टी डी एस डी यू प्लस पी डी वी मैंने टी को यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेके आया हूँ अब जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो एंट्राफी चेंज का फॉर्मूला आता है यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो हम ये प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी जो थ्योरी वाला वीडियो है उसमें हम एंट्रापी का ये मैथमेटिकल रिजल्ट टी डी एस इक्वेशन में डिस्कस कर चुके हैं ठीक है तो ये जो फॉर्मूला आता है दिस इज लाइक दैट ओके ये आप रेफर कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है ये हमने प्रॉपर डिराइव किया है तो यहाँ पे जब मैं ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है फ्रॉम प्रोसेस वन टू टू दैट इज़ सी वी एल एन टी टू बाई टी वन ये हो गया अब इसने क्या बोला है तो मतलब हमें फर्स्ट प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज पता है उसके बाद इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि वी हैव एक्सपेंडेड बैक टू इट्स इनिशियल टेम्परेचर हमने गैस को एक्सपेंड करवाया अप टू इट्स इनिशियल टेम्परेचर तो देखिए इसमें कितना टे चेंज होगा तो जो सेकेंड वाला जो प्रोसेस है फ्रॉम टू टू थ्री नाउ वी आर ऑब्जर्विंग हियर कि व्हाट इज द एंट्रापी चेंज तो एंट्रापी चेंज के लिए देखिए हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लाइक like, इन्होंने you know, क्या बोला है कि जो हमारे पास जो T3 जो टेम्परेचर होगा फाइनली एक्सपेंड करवा के वो तो T1 के बराबर है T2 टू यहाँ पर कुछ टेम्परेचर हो सकता है दैट इज़ बेसिकली T2 ठीक है अब हमने क्या किया यहाँ पे जो बेसिकली वॉल्यूम जो चेंज होंगी दैट इज़ V3 और यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा V2 अब यहाँ पे जो हमने प्रोसेस यूज़ किया है दैट इज़ बेसिकली पी वी पावर एन यूज़ किया है तो हमने इस टाइप के प्रोसेसेस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इफ़ आई एम गोइंग टू राइट डाउन टी टू बाई टी थ्री दैन दैट इज नथिंग बट वी थ्री बाई वी टू रेस्ट टू पावर एन माइनस वन ये आ जाएगा अब जो टी थ्री है बेसिकली वो तो टी वन के बराबर है तो यहाँ पे टी टू बाय टी वन दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू वी थ्री बाई वी टू रेस्ट टू पावर एन माइनस वन अब हम यहाँ पे वी थ्री बाई वी टू की जगह रिप्लेस कर सकते हैं दैट इज टी टू बाई टी वन रेज टू पावर वन अपॉन एन माइनस वन ये हम रिप्लेस कर सकते हैं नाओ यू कैन रिप्लेस वी थ्री बाई वी टू दैट्स इज बेसिकली इक्वल्स टू टी टू बाई टी वन रेज टू पावर वन अपॉन एन माइनस वन ठीक है ये बेसिकली आपको पी वी रेज टू पावर एन रो होता है उसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक टी टू बाई टी वन इक्वल टू वी वन बाई वी टू रेस्ट टू पवर एन माइनस वन ठीक है तो अकॉर्डिंगली हम जब सॉल्व करेंगे तो आई एम गेटिंग दिस बहुत आसान है ये उसके बाद हमें एंट्रोपी चेंज लिख लेना है फ्रॉम टू टू थ्री तो जब हम एंट्रोपी चेंज लिखेंगे दैट विल बी सी वी एल एन टी थ्री बाई टी टू होगा और टी थ्री बेसिकली किसके बराबर है टी वन के बराबर है प्लस आर एल एन वी थ्री बाई वी टू तो जब हमने इसको स्टॉल किया वी थ्री बाई वी टू को जब हम रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे V3 by V2 रिप्लेस वी थ्री बाई वी टू तो आई विल रिप्लेस with टी टू बाई टी वन रेज टू पावर वन अपॉन एन माइनस वन ठीक है वी थ्री बाई वी टू को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है ठीक है ये सी वी एल एन टी थ्री बाई टी टू था तो टी थ्री टी वन के बराबर था ठीक है तो यहाँ पे अब इन्होंने बोला था कि जो एंट्रॉपी चेंज होगा फ्रॉम टू टू थ्री दैट विल बी इक्वल्स टू एंट्रोपी चेंज फ्रॉम वन टू टू क्योंकि दोनों प्रोसेस में एनट्रॉपी चेंज बराबर है तो हमने देखिए इक्वेट किया ये जो एनट्रॉपी चेंज है ये वन टू टू है ये जो एनट्रॉपी चेंज नज़र आ रहा है आपको दिस एनट्रॉपी चेंज इज़ बेसिकली फ्रॉम टू टू थ्री जब हम इक्वेट कर रहे हैं इसको तो जो हमारे पास फाइनली वी विल गोइंग टू डिराव अ रिलेशन बिटवीन एन एंड गामा देखो हम क्या हमने क्या किया इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ सी वी एल एन टी वन बाई टी टू को सो आई विल बी गेटिंग टू इन टू सी वी इन टू एल एन टी टू बाई टी वन सी वी को मैंने आर अपॉन गामा माइनस वन लिखा इक्वल्स टू दिस इज आर एल एन टी टू बाई टी वन जिस टू पाओ वन अपॉन एन माइनस वन ये यू का यू यु रखा हुआ है अब देखिए यहाँ पे जब मैं कंपेयर करता हूँ इन इक्वेशंस को आर तो कैंसिल हो जाएगा तो टू अपॉन गामा माइनस वन विल इक्वल्स टू वन अपॉन एन माइनस वन तो इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू एन माइनस टू इक्वल टू गामा माइनस वन सो एन विल बी इक्वल्स टू गामा प्लस वन बाई टू ये बेसिक कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो तो बेसिकली आपको करना क्या है इसमें सबसे सबसे पहले हमने क्या किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस को हम हीट कर रहे हैं उसके बाद हमने क्या किया एक्सपैंड करवाया है बाय यूजिंग द लॉ लॉप टू पावर एन ड्यूरिंग द प्रोसेस और एक्सपैंड जब हम करवा रहे थे तो हमने उसको इतना एक्सपैंड करवाया है कि गैस रीच इट्स इनिशियल टेम्परेचर गैस विल रीच अप टू इट्स इनिशियल टेम्परेचर सो अकॉर्डिंगली वी हैव डिराइव्ड द रिलेशन बिटवीन इट्स पॉलिट्रॉपिक इंडेक्स एन एंड द एडियाबैटिक इंडेक्स गामा तो so, हमारे पास रिलेशन आ रहा है एन इक्वल टू गामा प्लस वन बाई टू आई होप आपको क्लियर है ठीक है अब हम एक अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं दिस इज अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज ए गैस फॉलोज द इक्वेशन पी इंटू वी माइनस वी बी इक्वल्स टू आर टी पी इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी बी इज कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज गिवन बाई यूक्वल्स टू सी वी इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट देन सो दैट पी इंटू वी माइनस बी रेस्टो पा गामा इज कॉन्स्टेंट फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एग्जीक्यूटिव बाई दिस गैस देखिए हमारे पास जो रिलेशन डिराइव करना है दैट इज पी इंटू वी माइनस बी रेस्टो पा गामा अंडर गोइंग रिवर्सिबल एग्जीक्यूटि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बाय दिस गैस ठीक है तो कोई भी गैस है दैट इज अंडरगोइंग रिवर्सिबल रिवर्सबल प्रोसेस वी हैव टू डिराइव द रिलेशन पी इन टू वी माइनस बी रेस टू पागाम इक्वल टू कॉन्स्टेंट अब देखिए ये क्लासेस इक्वेशंस यूज करेंगे टीडीएस इक्वेशंस यूज करेंगे बेसिकली टीडीएस इक्वेशंस यूज करता हूँ मैं तो देखिए फर्स्ट टी इक्वेशन हमारे पास जो है दैट इज अब यहाँ पे U का जो रिलेशन है दैट इज सी वी इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट ये हमें ऑलरेडी गिवन है इफ आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस ds एस इक्व टू जीरो बिकॉज इट इज़ अ रिवर्सिबल process प्रोसेस क्योंकि प्रोसेस जो हमारा है दैट इज़ रिवर्सिबल एडियाबैटिक तो जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा तो इसका मतलब क्या है कि एंट्रॉपी चेंज विल बी जीरो क्योंकि ये आइस ट्रॉपिक होता है ये होता है आइस ट्रॉपिक सो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू जीरो सो डी एस विल बी जीरो यहाँ पर तो डी यू प्लस पी डी भी आ जाएगा अब डी यू हम यहाँ से निकाल लेंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पे जब हमारे पास डी यू इक्वल टू माइनस पी डी वी आ जाता है दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखिए यहाँ पे डी एस जीरो हुआ था तो डी यू अपॉन टी इक्वल टू माइनस पी डी वी अपन टी ये हमारे पास इक्वेशन है अब यू को तो हमें पता है एक्सप्रेशन दैट इज सी वी इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट हम सब्सिट्यूट कर देंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है ना यू का इक्वेशन uh, तो जब हमने इसको uh, यहाँ सब्सटीट्यूट किया सो अब सी वी इज बेसिकली कॉन्स्टेंट ओके सो इट विल बी सी वी इंटू डी टी ओके okay, कांस्टेंट का डेरिवेटिव द चेंज विल बी ज़ीरो तो इट विल बी नथिंग बट सी वी इंटू डी टी देखो सी वी इन टू डी टी डिनिनेटर में टी था यहाँ जब मैं इसको देखता हूँ पी डी वी अपॉन टी सो यहाँ पे गैस के लिए जो इक्वेशन इन्होंने दे रखा था वो हमारे यहाँ पे देखो पी इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी गिवन है पी इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी गिवन है तो यहाँ से हम पी अपॉन टी का वैल्यू निकाल के वहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे जब मैं सब पी अपॉन टी का वैल्यू निकालता हूँ सो दैट इज इक्वल टू आर अपॉन वी माइनस बी ये आता है ये वैल्यू हम वहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर ये यह देखिए पी अपन टी का वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं आर अपॉन वी माइनस बी नेगेटिव साइन था इन टू डी बी इफ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन सो देट विल माइनस आर दिस इज एल एन वी माइनस बी एंड वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम वी वन टू वी टू अब देखिए यहाँ पे सी वी को हमने रिप्लेस कर दिया है आर अपॉन गामा माइनस वन से या राइट हैंड साइड पे हमने यू का यूँ लिमिट सब्सटीट्यूट करके इसको लिखा हुआ है अब जब हम इसको कंपेयर करते हैं आर से आर कैंसिल हो जाएगा सो दिस इज़ एल एन टी टू बाई टी वन और यहाँ पे जो हमारे पास आता है ये गामा माइनस वन इधर मल्टीप्लाई में होगा माइनस साइन को हटाने के लिए हमने देखिए इसके जो लिमिट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दिया है हमने यहाँ पे देखो वी टू माइनस बी अपॉन वी वन माइनस बी था तो यहाँ हमने माइनस साइन को रिमूव करने के लिए लिमिट्स को हमने इंटरचेंज किया है दैट इज एल एन वी वन माइनस बी अपॉन एल एन वी टू माइनस बी ये ऊपर पावर चला जाएगा गामा माइनस वन का तो अब हम इसे कंपेयर करते हैं तो आपको देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है कि टी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी टू पावर गामा माइनस वन एंड बेसिकली वी माइनस बी एक्चुअली t इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी माइनस बी रेस्ट टू पावर गामा माइनस वन ये बी बी है यहाँ पे ठीक है तो अब जब इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो तो हम रिलेशन डिराइव कर चुके हैं दैट इज t टी इंटू वी माइनस बी पावर गामा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट ओके अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन था गैस के लिए जो तो इक्वेशन हमें गिवन था पी इंटू वी माइनस बी इक्वेज टू आर टी अब यहाँ पे देखिए जब मैं t को रिप्लेस कर देता हूँ तो आई एम गेटिंग टी एच पी इंटू वी माइनस बी तो t को सब्सटीट्यूट करूँगा पी इंटू वी माइनस बी सो आई विल बी गेटिंग पी इंटू वी माइनस बी ये हमने अपॉन r ये हमने t के जगह सब्सटीट्यूट किया है इंटू वी माइनस बी रेस्ट ऑफ आ गवा माइनस वन दैट इज कॉन्स्टेंट तो ये r इधर जाके कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारे पास बेसिक डेरिवेशन था वो हम कर चुके हैं दैट इज पी इंटू वी माइनस बी रेस्ट ऑफ अगाम इज कांस्टेंट ये हमें डिराइव करना था तो आई होप आपको क्लियर है कि पी इंटू वी माइनस बी इक्वल रेस्ट पी इंटू वी माइनस बी रेस्ट ऑफ अ गाइज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दैट वी हैव डिराइव्ड ओके आई होप आपको क्लियर है तो बेसिक डेरिवेशन हमें यही करना था कि फॉर द रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस एग्जीक्यूटिव बाई द आइडियल गैस वी हैव टू डिराव पी इंटू वी माइनस बी रेस्टो पगामा इज कॉन्स्टेंट और फॉर द गैस वज इंटरनल एनर्जी इज यू इक्वल्स टू सी वी इंटू टी एंड विच फॉलोज द इक्वेशन पी इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी ठीक है बी एक कॉन्स्टेंट है बेसिकली तो मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें जो कंडीशन की बनती उसके हिसाब से हमने पी इंटू वी माइनस बी रेस्टो पगामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिराइव किया है तो आप आपको एक क्लियर है यदि किसी भी टाइप का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं विल बी रिप्लाइंग देर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज टू आइडेंटिकल बॉडीज ऑफ इक्वल मास एम एंड स्पेसिफिक हीट सी इनिशियल टेम्परेचर टी वन एनटी टू वी आर हैविंग टू आइडेंटिकल बॉडीज ओके टेम्परेचर्स आर गिवन टी वन एंटी टू एंड दोनों टेम्परेचर जो है वो कैलविन में हैं आर यूज एज अ रिजर्व आय फॉर अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इन अ रिवर्सिबल साइकिल बेसिकली जो आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं वो हम कैसे यूज कर रहे हैं देखो दे आर यूज एज अ रिजर्व वायर फॉर अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इन अ रिवर्सिबल साइकिल और हीट इंजन जो है वो हमें रिवर्सेबल साइकिल में ऑपरेट कर रहा है मतलब इट इज अ रिवर्सिबल इंजन सो बॉडीज में भी ट्रीटेड एज ऑपरटिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इफ द इंजन इंटरेक्ट विद रिजर्वर्सिल अट इन द सेम फाइनल टेम्परेचर वी आर हैविंग टू रिजर्व वायर्स अ हीट इंजन इज ऑपरेटिंग इन अ रिवर्सिबल साइकिल बिटवीन द एम एंड this engine will interact until these reservoirs will attain the same final temperature ठीक है then derive the expression for final temperature and maximum work obtained कि वो final temperature कितना होगा ये हमें बता दो और कितना maximum से maximum work हम यहाँ से extract कर सकते हैं obtain कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर find out करना है so देखिए यहाँ पर यहाँ पे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है दीज आर टू आइडेंटिकल बॉडीज आइडेंटिकल बॉडीज मतलब दे आर एग इक्वल मास एंड इक्वल स्पेसिफिक हीट कैपैसिटी बेसिकली इनका टेम्परेचर जो गिवन था इसका टेम्परेचर टी वन है इसका टेम्परेचर टी टू है टीवन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा ये हमें हीट इंजन रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट किया हुआ है अब देखिए इफ दिस इज ऑपरेटिंग इन अ रिवर्सिबल साइकिल दिस हीट इंजन इज बेसिकली ऑपरेटिंग इन अ रिवर्सिबल साइकिल और हमें यह बताना है कि कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क का हम यहाँ से कर पाएंगे तो इसके लिए मतलब जो हमारे पास ये कंप्लीट जो साइकिल है दैट शुड बी ऑपरेट रिवर्सिबली तो मतलब ये जो यहाँ पे हम मैक्सिमम वर्क तब निकाल पाएंगे जब हम कंप्लीट रिवर्सिबली ऑपरेट कर रहे हैं इट सिंपली मीन्स दैट द एंट्रापी चेंज ऑफ यूनिवर्स दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो तो एंट्रापी चेंज देखो यहाँ पे तो ये साइकिल डिवाइस है कुछ नहीं होगा इस ब्लॉक का एंट्रोपी चेंज हम निकालेंगे इस आइडेंटिकल मास का हम एंट्रोपी चेंज निकालेंगे और नेट एंट्रोपी चेंज शुड बी जीरो बिकॉज वी हैव टू ऑपरेट रिवर्सिबली जस्ट टू ऑबेन द मैक्सिमम वर्क तो जब हमने यहाँ पे एंट्रोपी चेंज पहले ब्लॉक का लिखा तो एम सी एल टी फाइनल अपॉन टी वन लिखा दूसरे ब्लॉक का लिखा तो भी हमने एम सी एल टी फाइनल अपॉन टी टू लिखा टी फाइनल दोनों हम क्यों लिख रहे हैं क्योंकि दिस इंजन इज ऑपरेटिंग अंटिल दे विल अटेन द सेम फाइनल टेम्परेचर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा टी वन वाले का कम होगा दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू जीरो जीरो के बराबर होगा अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं दिस इज इक्वल्स टू जीरो तो इसका मतलब क्या है देखिए एम सी एल एन एम सी एम सी कॉमन आ जाएगा यहाँ से तो दिस इज नथिंग बट एल एन टी फाइनल अपॉन टी वन प्लस एल एन टी फाइनल अपॉन टी टू दिस इज इक्वल टू जीरो ऐसा है तो एल एन ए प्लस एल एन बी दिस इज नथिंग बट एल एन ए बी सो दिस इज एल एन टी फाइनल स्क्वायर अपॉन टी वन इंटू टी टू दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू जीरो सो सिंपली फ्रॉम दिस इक्वेशन टी फाइनल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू टी वन इंटू टी टू क्योंकि यहाँ पे जब मैं लॉग रिमूव करता हूँ तो आई विल बी गेटिंग ई रेस्ट टू पावर जीरो ई रेस्ट पावर जीरो इज वन सो टी फाइनल का जो वैल्यू यहाँ से आता है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ टी वन इंटू टी टू दिस इज स्क् रूट ऑफ टी वन इंटू टू नेक्स्ट हमें इसमें मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करने के लिए जब हमने फाइनल टेम्परेचर के लिए जो कंडीशंस हमने अप्लाई की है दैट इज बेसिकली दिस इज अ रिवर्सिबल साइकिल सो जो हमें वर्क मिलेगा वेन इट विल अटेन द टी फाइनल दैट इज इक्वल्स टू रूट टी वन टी टू सो आई विल बी गेटिंग मैक्सिमम वर्क तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हमें मैक्सिमम वर्क निकाल लेना है तो इफ़ आई एम गोइंग टू अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन ही दिस इज क्यू वन इक्वल्स टू डब्लू मैक्स प्लस क्यू टू यहाँ पर हम एनर्जी बैलेंस लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो सो डब्लू मैक्स इज नथिंग बट क्यू वन माइनस क्यू टू द वैल्यू ऑफ क्यू वन हेयर इज एम इंटू सी इंटू टी वन माइनस टी फाइनल क्यू टू इज बेसिकली कितना ही टी अब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज एम सी इंटू टी फाइनल माइनस टी टू टी फाइनल दोनों का है रूट टी वन टी टू ठीक है तो जब हमने इसको सॉल्व किया, तो किया है तो एम सी इंटू टी वन प्लस टी टू माइनस टू टी एफ और टी एफ का वैल्यू हमने डिराइव किया है बाय यूजिंग डी एस इक्वल्स टू जीरो तो वहाँ पर हमारे पास जो टी एफ का वैल्यू आया है जस्ट अभी डिराइव किया है दैट इज इक्वल टू रूट टी वन टी टू तो ये जो हमारे पास डिराइव करके इस टी एफ का जो वैल्यू आया है दैट इज़ नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ टी वन इंटू टी टू जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो डब्ल्यू मैक्स का वैल्यू आता है दैट इज इक्वल टू एम सी इंटू टी वन प्लस टी टू माइनस टू इंटू रूट ऑफ टी वन टी टू तो so, जब ने इसको सॉल्व किया दैट इज एम सी इन रूट टी वन माइनस रूट टी टू होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू डब्लू मैक्स सो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला हमने डिराइव किया सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम वर्क हियर एंड दिस इज द फाइनल टेम्परेचर दैट इज गोइंग टू बी अटेंड बाई बॉड द रिजरवाइज लाइक दिस वी कैन we can solve this problem. It's a very standard problem. We have derived the maximum work and final temperature as well by very simple method. We have derived, I hope it is clear to you. If any doubt in this, then you can ask in comment box. Okay. So, remaining questions we will be discussing in next video. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Bye.